श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम BSc सेकेंड ईयर के अंदर आपका जो बोटनी का सेकेंड पेपर है, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में जिक्र कर चुके हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने जो आपकी फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट 7 है, जिसके अंदर आप लोगों ने लाइट रिएक्शन का साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आप लोगों ने देखा है, या कहने का मतलब हम लोग कह दें कि यहाँ पर आपने PS फर्स्ट, PS सेकंड सिस्टम, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इन सब के बारे में जाना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि फोटोसिंथेसिस की जो स्टेप्स होती है, जिसके अंदर आप लोगों को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन देखने को मिलती है, तो आपने कहा लाइट रिएक्शन जो है वो हमें ग्रेना के अंदर देखने को मिलती है, और इसके अंदर आप लोगों ने देखा है लाइट रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, और फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है उसकी क्रियाएं जो है आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इसके परिणाम स्वरूप आप लोगों ने देखा था कि एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा था, या यूं कह दे कि प्रकाश ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम किया जा रहा था, ATP और NADPH2 जो है वो बनाए जा रहे थे। आज के इस वीडियो में हम इसी फोटोसिंथेसिस के पार्ट को आगे बढ़ाएं, तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और डार्क रिएक्शन जो है, इसी का आपको दूसरा नाम देखने को मिलेगा, ब्लेकमैन रिएक्शन। अब इसे हम लोग डार्क रिएक्शन क्यों कह रहे हैं या ब्लेकमैन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने कहा था कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलती है। स्ट्रोमा के अंदर लाइट की अब्सेंस में फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन। ये रिएक्शन किसके द्वारा डिस्कवर की गई है या किसके द्वारा रिपोर्टिंग की गई है, ब्लेकमैन के द्वारा की गई है। ब्लेकमैन के द्वारा की गई, तो इस रिएक्शन को क्या नाम दे दिया, ब्लेकमैन रिएक्शन के रूप में इन्होंने इसको नॉमिनेट कर दिया। तो डेफिनेशन के रूप में तो आप लोगों ने देख लिया कि डार्क रिएक्शन हम किसे कह रहे हैं, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम आपने कहा ब्लेकमैन रिएक्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि हम लोग आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं डार्क रिएक्शन के बारे में, स्ट्रोमा के अंदर लाइट की अब्सेंस में जो रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिल रही है फोटोसिंथेसिस की, वो क्या है, लाइट रिएक्शन या ब्लेकमैन रिएक्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब इस रिएक्शन के अंदर आप लोग देखेंगे कि इस डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 का अपचयन किया जाता है, CO2 ग्रहण करेंगे, उसका अपचयन करेंगे, और इस CO2 अपचयन के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है, C6H12O6 जो है वो बनाई जाती है। यही आप लोग देखेंगे कि ये जो डार्क रिएक्शन जो है वो तापमान आधारित क्रिया है, और तापमान आधारित होने के कारण से आप लोग देखेंगे कि ये पूरी रूप पूर्णतया एंजाइमेटिक रिएक्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर यही आप लोग देखेंगे कि यहां पर जब CO2 को ग्रहण किया जा रहा है, उससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जा रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो डार्क रिएक्शन होती है वो तीन प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इसके लिए तीन प्रकार के साइकिल जो है वो किए जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि CO2 का जो अपचयन होता है वो तीन रूपों में होता है। ये तीन रूप कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि एक तो आपको C3 साइकिल देखने को मिलता है, एक C4 साइकिल देखने को मिलता है, और एक केम साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। ये तीन प्रकार के साइकिल आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेंगे डार्क रिएक्शन के अंदर, जिसके माध्यम से CO2 का अपचयन किया जाएगा और क्या बनाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनाया जाता है। C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है वो होता है
तीन कार्बन का यौगिक पी जी ए, इस कारण से इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सी थ्री साइकिल। सी फोर साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट चार कार्बन का यौगिक होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इस कारण इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सी फोर साइकिल कह रहे हैं। और केम साइकिल क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये जो साइकिल है वो भी आप लोगों को मोस्टली जो है जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों को मोस्टली जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है डार्क रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से क्यों जान रहे हैं। इस डार्क रिएक्शन में CO2 को हम ग्रहण कर रहे हैं, उसका अपचयन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं। CO2 का जो अपचयन होता है वो तीन प्रकार के साइकिल के माध्यम से होता है, सी थ्री साइकिल के माध्यम से होता है, सी फोर साइकिल के माध्यम से होता है, और केम साइकिल के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे एक एक प्रकार का जो साइकिल है उसके बारे में कम्प्लीटली हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम बात कर रहे हैं सी थ्री साइकिल के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं C3 साइकिल। इस C3 साइकिल का दूसरा नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, केल्विन साइकिल या PCR साइकिल। केल्विन साइकिल क्यों कह रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि साइंटिस्ट है केल्विन बेंसन एंड एटोल। इन्होंने क्या काम किया है कि कुछ एलगी आपकी क्लोरेला और सेनेडेसमस, उन क्लोरेला और सेनेडेसमस के अंदर केल्विन और बेंसन ने देखा कि जो कार्बन है उसका पाथ किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया और कार्बन के पाथ को खोजा और उसके आधार पर देखा कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। तो इस साइकिल की खोज केल्विन के द्वारा, बेंसन के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा की गई, इस कारण से इस साइकिल का क्या नाम दिया हुआ है, केल्विन साइकिल के रूप में इसे डिफाइन किया गया है। वहीं आप कह रहे हैं इसे सी थ्री साइकिल क्यों कह रहे थे, तो अभी आपने कहा कि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन सा है, PGA, क्या बोलेंगे इसको, फोस्फो ग्लिसरिक एसिड। ये क्या है, तीन कार्बन का यौगिक होता है, और तीन कार्बन का यौगिक है जिसके कारण से हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, C3 साइकिल। वहीं आप कह रहे हैं इसको PCR साइकिल भी कहते हैं, PCR का मतलब आप लोग देखेंगे इसे क्या कहते हैं, फोटो सिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो ये जो C3 साइकिल है उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है कि ये इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं इसी C3 साइकिल के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो डार्क रिएक्शन होती है उसके अंदर CO2 को ग्रहण किया जाता है, और CO2 को ग्रहण करने के बाद में क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस C3 साइकिल के अंदर जो CO2 को ग्रहण किया जा रहा है उन CO2 से क्या बना रही है, बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं। तो इस C3 साइकिल में आप लोग देखेंगे कि मोस्टली 18 ATP प्लस 12 NADPH2 ये यूज किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, यूज्ड किए जाते हैं। NADPH2 ATP की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता है, एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट। ये क्या है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट हाइड्रोजिनेज, इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने कहा कि C3 साइकिल में इतने ATP और इतने NADPH2 जो है वो यूज किए जाते हैं, और CO2 भी जो है यहाँ पर
यूज ली जाती है। यानी कहने का मतलब ये रिएक्शन आप लोगों को इस रूप में देखने को मिलती है, 6CO2 प्लस 18 ATP प्लस आप कह रहे हैं 12 NADPH2 जो है वो काम में लिए जाते हैं। ये काम में लिए गए, इनसे फॉर्म क्या कर दिया गया आप लोग देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट बना दी जाती है, ATP टूट जाती है किस रूप में, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस NADPH2 जो है वो भी टूट जाता है, किस रूप में टूट जाता है, NADP के रूप में, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के रूप में टूट जाता है। तो ये सारा का सारा फॉर्म हो जाता है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि C3 साइकिल में इतने ATP और इतने NADPH2 यूज किए जाते हैं और इनके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, ATP से ये बन जाती है, NADPH2 से ये बन जाता है। क्लियर है? फिर आगे यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो C3 साइकिल हमें देखने को मिलता है, इस C3 साइकिल की मोस्टली चार स्टेप होती है, यानी कि ये चार स्टेप के रूप में पूरा होता है। ये चार स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट नंबर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कार्बोक्सीलेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिडक्शन ऑफ PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, उसका रिडक्शन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि सिंथेसिस ऑफ हेक्सोज सुगर की सिंथेसिस की जाती है, और फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे क्या काम किया जाता है, रीजनरेशन ऑफ RUMP का रीजनरेशन किया जाता है। ये चार स्टेप जो है वो टोटली आपके C3 साइकिल के अंदर दोहराई जाती है, जहाँ पर आप लोग देखेंगे कार्बोक्सीलेशन की क्रिया में CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है, और उनको एक्सेप्ट करने के बाद में आप लोग देखेंगे कि कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के माध्यम से क्या बनाया जा रहा है, आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनाया जा रहा है। रिडक्शन ऑफ PGA जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है NADPH2 के माध्यम से, और फिर से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं। फिर आप कह रहे हैं सिंथेसिस ऑफ हेक्सोज सुगर, इसका जब रिडक्शन हो रहा है तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको PGAL के रूप में देखने को मिलता है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के रूप में हम उसे डिफाइन करेंगे, उसके द्वारा जो आपका कार्बोहाइड्रेट बनाया जा रहा है उसकी सिंथेसिस जो है वो हेक्सोज सुगर के रूप में की जाती है। और नेक्स्ट आप कह रहे हैं रीजनरेशन ऑफ RUMP, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाने के बाद में वापस इस मॉलिक्यूल की, जहाँ से हम लोगों ने केल्विन साइकिल या C3 साइकिल शुरू किया है, उसको वापस रीजनरेट करने का काम करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग क्या कह रहे हैं, रीजनरेशन ऑफ RUMP के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तो है अपनी C3 या केल्विन साइकिल से रिलेटेड आप लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। अब एक्चुअली में ये C3 साइकिल किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसका हम लोग बात करते हैं, डायग्राम बना के हम लोग इसको समझते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को C3 साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। तो लीजिएगा, फर्स्ट नंबर हम बात कर रहे हैं शुरुआत का जो प्रोडक्ट होता है आपका RUMP, साथ में फुल फॉर्म राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट। इस राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट से जो सेकंड प्रोडक्ट बनता है आप लोगों का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, RUBP, राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट। इस RUBP के निर्माण में आप लोग देखते हैं कि 6 ATP काम आते हैं, और ये 6 ATP किस में चेंज हो जाते हैं, 6 ADP में चेंज हो जाते हैं। इस RUBP के पास में यहां पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रूबिस्को एंजाइम, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में ही आप लोग देखेंगे कि ये RUBP क्या करती है, CO2 को एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करने का काम करती है, 6CO2 के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि यहां पर टोटल जो है वो छह मॉलिक्यूल जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 6CO2 जो है वो हम लोग काम में ले रहे हैं। RUBP से जो प्रोडक्ट बनेगा
इसे हम लोग कहेंगे पीजीए, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। इस पीजीए से बन जाएगा, यहाँ थोड़ा सा क्योंकि यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, पीजीए से बनेगा 1,3-DiPGA। इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने से क्या बन जाएगा PGAL। आप लोग देखेंगे कि ये जो PGAL होता है ये चार टुकड़ों में टूट जाएगा। ये चार टुकड़े कौन से हैं आप लोगों को ये सीक्वेंस ध्यान में रखनी है, इस रूप में टूट जाएगा। फिर आप कहेंगे ये पांच जो PGAL के मॉलिक्यूल है ये क्या बनाएंगे, ये पांच मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, डाई हेप। और आप लोग देखेंगे कि ये जो डाई हेप है ये फिर से टूट जाती है दो और तीन के रूप में। फिर नेक्स्ट आप कहेंगे ये तीन मॉलिक्यूल और इसके तीन मॉलिक्यूल दोनों मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट। आप लोग देखेंगे इस फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकाल दी जाती है तो क्या बच जाता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बच जाता है। फिर आप कहेंगे कि ये जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट था वो भी दो रूपों में टूटा हुआ है, दो और एक, जहां से आप लोग कहेंगे कि ये एक जो मॉलिक्यूल है ये तो क्या बना देती है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देती है। ये दो मॉलिक्यूल प्लस में ये जो PGAL था इसके दो मॉलिक्यूल, ये जुड़ते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं। कौन से बनेंगे आप लोग देखेंगे, इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और जाइल्यूलोज 5-फॉस्फेट। क्लियर है। फिर आप कहेंगे ये इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट जो है इन दो के साथ में इंटरेक्ट करता है, एक नया प्रोडक्ट बना देता है, क्या बनाता है, सुडो हेप्टुलोज 1,7-डाइफॉस्फेट। फिर आप कहेंगे कि इसमें से भी हमने एक फॉस्फेट निकाल दी, तो आप लोग देखेंगे कि एक फॉस्फेट निकालते ही क्या बच गया, सुडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट। अब ये जो सुडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट है आप लोग देखेंगे कि ये प्लस में ये दो मॉलिक्यूल जुड़ गए और दो प्रोडक्ट को बनाने का काम कर रहे हैं। ये दो प्रोडक्ट कौन से हैं, एक तो ये बना देंगे और एक क्या बना देंगे, राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट ये बना देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसके दो प्लस दो मॉलिक्यूल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से आप लोग देखेंगे इसका रीजनरेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब हम इसकी वैलेंसी वगैरह जो है वो थोड़ी सी सेट कर देते हैं आप लोगों की। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि PGA से 1,3-DiPGA बन रहा है, यहाँ पर क्या होता है 12 ATP से 12 ADP जो है वो बना दी जाती है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 12 NADPH2 जो होता है उससे 12 NADP जो है वो बना दी जाती है। वैलेंसी हम लोग सेट करें इसकी, आप लोग देखेंगे पांच कार्बन का मॉलिक्यूल है और इसके टोटल कितने, 6 मॉलिक्यूल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, यहां आप कहें 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स, सेम यही बात है 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स। और डाई हेप आप लोग देख रहे हैं
तीन कार्बन का है, टोटल कितने हैं, पांच मॉलिक्यूल्स हैं। फिर आप कह रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, छः कार्बन का है और इसके कितने मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं, तीन मॉलिक्यूल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जाइलुलोज 5-फॉस्फेट, पांच कार्बन का है, टोटल कितने हैं, चार मॉलिक्यूल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, चार कार्बन का है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये 7 कार्बन का है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, सेम ही ये है आपका 7 कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर 5 कार्बन का कितना है, दो ही एक मॉलिक्यूल्स आएगा। तो ये सारा का सारा आप लोगों को C3 साइकिल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है कि भाई जो आपकी C3 साइकिल है वो इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलती है। इसको डिस्प्ले करते हैं हम लोग, तो आप लोग देखेंगे कि C3 साइकिल का स्टार्टिंग जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, RUMP राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट। आप लोग देख रहे हैं 6 मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन के, टोटल कितनी कार्बन हो गई, 30 कार्बन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। इस RUMP का ATP की उपस्थिति में किस में इंटरचेंज हो जाता है, RUBP में इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ATP की उपस्थिति में ये बन गया, ये RUBP C3 साइकिल के अंदर क्या काम करता है, CO2 को एक्सेप्ट करने का काम करता है। यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है रूबिस्को राइबिलोज 20-फॉस्फेट कार्बोक्जिलेज ऑक्सीजिनेज, ये एंजाइम क्या करवाता है, CO2 के एब्जॉर्बेशन में काम आता है। RUBP का मतलब है राइबिलोज 20-फॉस्फेट, या हम लोग कह दें राइबिलोज 1,6 डाइफॉस्फेट के रूप में भी ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आपने कहा ये 30 कार्बन का था, ये 6 कार्बन का है और 6 मॉलिक्यूल है, तो 36 कार्बन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इससे बन गया अपना फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल, 36 कार्बन पूरे अपने। यहाँ आए तो आप कहेंगे कि PGA से हमारा क्या बन गया, 1,3-डाई PGA, यहाँ पर भी ATP यूज की जाती है, इतनी है। आपने कहा था कि C3 साइकिल में टोटल ATP कितने यूज होते हैं, 18 ATP, 12+6 18 ATP जो है वो पूरे यूज हो गए। वही सेम बात है, 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स। इस PGA का रिडक्शन हो गया, क्या बन गया, PGAL फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बन गया। ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड आप लोग देख रहे हैं 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स है, NADPH2 NADP में कन्वर्ट हो गई। आपने कहा था कि यहाँ पर इतने NADPH2 जो है वो मोस्टली यूज किए जाते हैं। ये PGAL आप कह रहे हैं कि इन टुकड़ों में टूट गया, 2, 5, 3 और 2 टोटल मिलाएंगे तो आप दो लोग देखेंगे कि 12 मॉलिक्यूल्स आप लोगों को टोटल देखने को मिल रहे हैं। इनमें से PGAL के जो 5 मॉलिक्यूल हैं वो बना रहे हैं डाईहेप, फुल फॉर्म कहेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, टोटल कितने मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है, तो 5 कितने हो गए, 15 कार्बन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। इस डाईहेप के ये जो डाईहेप था 5 कार्बन थे, ये फिर से टूट गए 2 और 3 के रूप में, 5 मॉलिक्यूल पूरे हो गए। इसी डाईहेप का ये जो 3 मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ में इंटररिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 3 मॉलिक्यूल है क्योंकि 3-3 आप लोग देख रहे हैं, और कितने कार्बन हो गए इसके पास में, 6 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 कार्बन, यही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि 3×3 9 यहाँ पर है और 3 और 3 9 यहाँ पर, तो 18 कार्बन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही। इसमें से एक फॉस्फेट निकल गया तो क्या बच गया, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल जो कि 3 मॉलिक्यूल थे फिर से टूट गए 2 और 1 के रूप में, ये एक बार निकल गया और इसने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। अब जो 2 बचे हैं आपके फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ में इंटररिएक्ट करते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर, एक ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, एक ये वाला प्रोडक्ट, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल तो इसके बन गए और 2 मॉलिक्यूल इसके बन गए, क्या बना, इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट जाइलुलोज 5-फॉस्फेट, इसके पास में 4 कार्बन होती है, इसके पास में 5 कार्बन होती है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट है
डाईहेप के जो दो मॉलिक्यूल थे उनके साथ में इंटररिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, स्यूडो हेप्टुलोज 17 डाईफॉस्फेट, 7 कार्बन के दो मॉलिक्यूल जो है वो बना देगा। ये सारा हुआ, यहाँ से फॉस्फेट निकल गई तो क्या बच गया, स्यूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, 7 कार्बन के दो मॉलिक्यूल। अब ये जो स्यूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बना है, ये PGAL के जो दो मॉलिक्यूल बचे हुए हैं इनके साथ में इंटररिएक्ट करेगा, और दोनों इंटररिएक्ट कर कर क्या बना रहे हैं, दो प्रोडक्ट को बनाने का काम कर रहे हैं, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल और राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो है इसका मॉलिक्यूल बनाने का काम कर रहे हैं। फिर यहां से आप लोग देखेंगे कि ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट RUMP में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी प्रकार से ये आपके जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो भी RUMP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वापस जो है ये मॉलिक्यूल जो है RUMP के रूप में रीजनरेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा आपको C3 साइकिल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तो थी बेसिक बातें, आपने कहा था कि इसके अंदर चार स्टेप जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये चार स्टेप कौन से थे, आपने कहा था कि फर्स्ट नंबर कार्बोक्सिलेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रहा है, RUBP के द्वारा CO2 को ग्रहण किया जा रहा है। RUMP जो है ATP की उपस्थिति में इसमें इंटरचेंज हो रहा है, CO2 को ग्रहण कर रहा है। रूबिस्को एंजाइम जो है इसमें अपना हेल्पफुल नेचर जो है वो शो कर रहा है। फिर इसके बाद में हमने कहा है कि रिडक्शन ऑफ PGA आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो PGA से 1,3-DiPGA बन रहा है, और यहाँ से क्या बन रहा है, PGAL फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है वो बनाई जा रही है, और इस क्रिया में आप लोग देख रहे हैं कि NADPH2 से क्या बन रही है, NADP जो है वो बनाया जा रहा है। फिर हमने कहा है कि सिंथेसिस ऑफ हेक्सोज शुगर, अब हेक्सोज शुगर का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि डाईहेप जो है इसके तीन मॉलिक्यूल्स और फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के तीन मॉलिक्यूल ये मिलकर क्या बना रहे हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं। यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करने के लिए काम में लिया जा रहा है, बाकी जो है साइकिल के अंदर रोटेट रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो हेक्सोज शुगर जो है उसकी सिंथेसिस हो गई, और लास्ट स्टेप में आप लोग कहते हैं रीजनरेशन ऑफ RUMP आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस रीजनरेशन में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है प्लस फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है, इनके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि इनसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ये दोनों के दोनों इंटरचेंज होकर क्या बना रहे हैं, वापस RUMP राइबुलोज मोनोफॉस्फेट जो है उसको बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ पर आपका C3 साइकिल जो है, या केल्विन साइकिल हम जिसे कहते हैं, या PCR साइकिल जिसे हम लोग कहते हैं, वो टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। और आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का बनाया जाता है। तो अच्छे से थोड़ा सा इसको तैयार कीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे, और इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।